मीरा और मीरा की माँ, अरे कहाँ मर गए दोनों के दोनों? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह तुम? मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए हुए, मैं दफ्तर कैसे जाऊंगा? कल धो भी नहीं आया था। धो भी नहीं आया था तो तुम किस मर्ज की दवा हो? तुम तो घर में थी ना? धोबन हूँ। अगर तुम धोबन होती ना, तुम्हारी कप की धुलाई कर चुका होता मैं। देखो मुझसे बदतमीजी से बातें नहीं करना, तुम पहले बोलो। तुम काम ऐसे करती हो यार? अरे पापा बस करो, सुबह सुबह एक दूसरे को क्यों नोच रहे हो तुम लोग? मीरा मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए हुए, हाउ द हेल विल आई गो टू द ऑफिस? अरे पापा कल धो भी नहीं आया था। अरे पर घर में स्त्री तो है ना? स्त्री तो है लेकिन बिजली नहीं थी, पता नहीं आजकल बार बार बिजली चली जाती है। चलो अच्छा बिजली अभी आ गई है, अब खुद जाके कपड़े प्रेस कर लो, जाओ। ठीक है जाओ, मैं प्रेस लेकर आऊँ। मैं लेके आऊँ वो भी? तो और कौन लाएगा? तुम क्या दुनिया में खाली टीवी देखने के लिए आई हो? वो भी नहीं देख सकती क्योंकि बिजली बार बार चली जाती है। कल हीरोइन की शादी हो रही थी और बिजली चली गई और डायरेक्ट उस वक्त आई जब वो माँ बनने वाली थी। माय गॉड, इस टीवी ने हमारे मुल्क की हर औरत को बेकार और निकम्मा करके रख दिया। देखा देखा पूरी मुल्क की औरतों के बारे में क्या कह के गया है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे माँ पर क्या गलत चीज कही है उसने, तुम ही बताओ 9 बजे के बाद कोई भी औरत अपने घर का काम करती है? नमस्ते आंटी जी। हेलो मीरा जी। हेलो हेलो सर। मीरा जी आप तैयार है ना? किस बात के लिए सर? ऑफिस जाने के लिए मेरा जी, और किस बात के लिए? नहीं नहीं सर, दरअसल हमारे घर में सुबह से बिजली गई थी ना सर, तो मैं तैयार नहीं हो पाई। बिजली बिजली से मुझे याद आया, प्लीज ऑफिस की लिफ्ट इस्तेमाल मत कीजिएगा आप। क्यों सर? आपको मालूम है कल क्या हुआ? क्या हुआ? हमारे सामने जो एजेंसी है हाँ। उसके क्रिएटिव डायरेक्टर मिस जग्यानी yes, हाँ। और वो रामविलास लिफ्टमैन हाँ। दोनों लिफ्ट में फंस गए। ओह गॉड, नथिंग सीरियस हैपेंड ना सर? नथिंग सीरियस, आज शाम को दोनों की शादी है। ओह अच्छा। एक्सक्यूज मी मैडम, वो प्रेस। मीरा जी, जी ये आदमी आपके घर में इस वक्त कैसे भिनक रहा है? सर वो कपड़े प्रेस करने आए थे सर, अपने कपड़े। दरअसल क्या सर, मेरे घर में लाइट नहीं थी ना, देखिए तो मैं अपने ऑफिस से कपड़े लेकर आया, मैंने कहा यहाँ पर इस्त्री कर लूंगा जी। और सर आप भी तो वैसे मेरा ख्याल इस्त्री के चक्कर में आए हैं। वाह शीतल, रेड राइडिंग सैंडल। थैंक यू थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी। हेलो, क्या बात है मोहन, आज लोकल ट्रेन में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी क्या? नहीं तो फिर तेरे कपड़े इतने मुचड़े हुए क्यों हैं? ये अच्छा यार क्या हुआ, सुबह प्रेस के लिए मुझे इस्त्री नहीं मिली, जब मिली तो लाइट चली गई। अच्छा अच्छा, मैं समझा ट्रेन में किसी ने आपकी मरम्मत की है। सद्दू साहब, हमारी मरम्मत करने वाले अभी तक पैदा नहीं हुए। लेकिन मोहन जी, ऐसे कपड़े पहनकर कोई ऑफिस आता है? व्हाट इज दिस? शीतल कम ऑन, ये कौन सी किताब में लिखा है, कौन सा कानून है ये कि सिर्फ प्रेस किए कपड़े पहन के आदमी ऑफिस में आ सकता है? ही इज राइट, ऑफिस में हम कपड़े पहन कर आते हैं यही काफी है। तनवीर ये बार बार लाइट क्यों जा रही है? शायद हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमें हिंदुस्तान की प्राचीन संस्कृति याद दिलवाने की कोशिश कर रहा है। जी जब से लाइट जाने लगी है, वर्मा साहब बार बार मीरा मैडम को अपने कैबिन में बुला लेते हैं। मोहन जी कल दोपहर में ना वर्मा साहब अपने कैबिन में थे, जैसे लाइट गई ना तो मैंने देखा चुपचाप है ना मीरा मैडम के कैबिन की तरफ जा रहे थे। माय गॉड, इस आदमी को बस मौका मिलना चाहिए यार। देखो तुम लोग मेरे दोस्त हो हाँ। मेरी शादी शुदा जिंदगी को बचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथों में है दोस्तों। तो बिल्कुल फिक्र मत कर मोहन, जैसे ही अंधेरा होगा और वर्मा साहब ने अगर हमसे पूछा कि मीरा मैडम कहाँ है तो हमने सीधा टॉयलेट की तरफ भेज देंगे। मोहन जी जब भी मीरा मैडम वर्मा साहब के कैबिन में होती है ना तो मैं जानबूझ के कॉफी लेके जाता हूँ, और खास करके जब लाइट जाती है तब। क्या बात है सिद्धू, तूने अपना ये जीवन सार्थक बना दिया है मेरे दोस्त। ऑलवेज थैंक यू। मीरा जी, जी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ और बहुत अपसेट हूँ। क्यों सर? क्योंकि जब भी मैं आपके घर पे आता हूँ मोहन जी ऑलरेडी पहुँचे होते हैं, इसका मैं क्या मतलब निकालूं? सर अब इसका कोई मतलब ना निकालें सर, दरअसल मोहन जी आज मेरे घर में पहली बार आए थे। मेरी सिक्स सेंस कहती है मुझे कि वो आदमी मुझे सही नहीं लगता है, उसकी नियत ठीक नहीं है उस आदमी। क्या मतलब? मतलब ये देखिए आजकल क्या हो रहा है कि बत्ती आ रही है जा रही है, मुझे लगता है कहीं इस बात का वो आदमी फायदा ना उठाए। आपका कहीं कहने का ये मतलब तो नहीं है कि अंधेरे में आकर वो मेरे घर में चोरी कर रहा है? मेरा जी आप बहुत बोले, आप बच्ची हैं बहुत मासूम हैं। अच्छा, मेरा कहने का मतलब था कि अंधेरे का फायदा उठा के आपके साथ छेड़खानी ना करूं। अब ऐसा ना कहें सर, मोहन जी एक निहायत शरीफ आदमी है सर, वो बहुत इज्जत करते हैं मेरी, इनफैक्ट उनकी जेब में भगवान की तस्वीर के साथ साथ मेरी तस्वीर भी रखी हुई है सर। अगर शराफत का ये सबूत है मीरा जी तो मेरी जेब में तो सिर्फ आपकी फोटो है, भगवान की तो फोटो भी नहीं है। प्लीज बी केयरफुल, आप रखे हो जाइए। सर मैं बनाता हूँ ना, आपको कॉफी लाने में इतनी देर क्यों हुई? सर वो लाइट बार बार जा रही है तो इंटर काम नहीं कर रहा है। मीरा जी डोंट पैनिक, मीरा जी डोंट पैनिक, हां भैया आई टेक केयर ऑफ यू। मीरा जी सद्दू हां स्टैंड इन ओन प्लेस, हिलना नहीं 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 हां। मीरा जी मैं आपको अपने हाथ से कॉफी बना के पिलाऊंगा।
आप किसी से मुझे मालूम पड़ रहा है कि आपको इस कॉफी का बहुत आनंद आ रहा है। मीरा जी कहाँ है? वो तो कब की चली गई। तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे? कुछ नहीं, आपने कॉफी दी, मैं पी रहा हूँ। कॉफी रखो, रखी। निकलना है, निकलना है। एक बार फिर खाली गया। कोई बात नहीं, I'll keep on trying and keep on trying and keep on trying and keep on trying. अच्छा है, अपनी माँ को बोलो जरा अपनी आंखें टच करवा ले, नमक बहुत डालती है आजकल खाने में। मोहन, कब तक नाश्ता करते बैठोगे तुम? अरे मेरा घर है, मेरा माल है, मेरा सामान है, जब तक मर्जी नाश्ता करूं, तुम्हें भी तकलीफ हो रही है? तकलीफ इसलिए हो रही है कि इतनी सारी इडलियां मुझे ही बनानी पड़ती है ना। लो सुन लो, आजकल तुम्हारी माँ ने मेरा खाना काउंट करना शुरू कर दिया है, मेरी रोटियां गिनती है ये। तुम मम्मी के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते मोहन। तू उनको भी बोलो जरा मुझसे तमीज से बात क्या करें। अरे जरा उनकी उम्र का तो लिहाज किया करो। उम्र का लिहाज? इनको है अपनी उम्र का लिहाज? क्यों, क्या किया उन्होंने? क्या किया है जानती हो? कल जब तुम बाहर गई थी ना, तो तुम्हारे ड्रेसिंग टेबल पर खड़े होके अपने सड़े हुए होंठों पे लिपस्टिक लगा रही थी। वो तो ठंड के मारे मेरे नाजुक होंठ फट गए थे ना, इसलिए मैं जरा। ठंड, हमारे मुंबई शहर में ठंड, वाह 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 वाह। पंखा बंद कर दिया, देखो तुम्हारी माँ ने पंखा बंद कर दिया। अरे क्यों पंखा लेती है मेरे साथ, पंखा क्यों बंद किया? अरे बाबा, मम्मी ने पंखा बंद नहीं किया है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने किया है, बिजली फिर से चली गई। अच्छा ठीक है, काम करो, देखो मेरे दोनों हाथ बिजी हैं, जरा मुझे पंखा चलो। ये कैसे हो सकता है? बड़ा सिंपल है, देखो अखबार कैसे पकड़ो, पकड़ो पकड़ो, हाथ में पकड़ो, इसको ऐसे ऐसे करती रहो, ऑटोमेटिक हवा आएगी, करती रहो। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? जानता हूँ, अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, और वो बीवी जो दफ्तर में मेरी बॉस है, घर में नहीं है, घर में आई एम द बॉस। और इस वक्त बॉस खाना खा रहा है, नाश्ता कर रहा है, उसे गर्मी लग रही है। अच्छा बॉस, मैं जाके खिड़की खोल देती हूँ। खिड़की मत खोलना, खिड़की मत खोलना। क्यों? वो सामने से बहुत आवाजें आती है। कैसी आवाजें? वो सामने जो आदमी रहता है ना, वो दारू पी के अपनी बीवी की पिटाई करता है। अच्छा, पराई औरत पे बड़ा तरस आ रहा है तुम्हें? औरत पे तरस नहीं आ रहा, आदमी से जलन हो रही है। I cannot do what he does. मैं नहीं कर सकता वो जो वो साला रोज करता है। ठीक है ठीक है, तुम्हारी ईगो को इतना ही सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, तो लो कर देती हूँ मैं। वेरी कंफर्टेबल ना। अरे बंद क्यों कर दिया? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे। वो क्या है ना, आजकल बार बार हमारी सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन हूँ। मैं वो जानती हूँ, लेकिन जब पंखा नहीं चलता तो मुझे मच्छर बहुत काटते हैं। आई एम श्योर तुम्हें काट के मर जाते हो। विनोद, आई वांट टू से कि मेरा मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, इज इट माय फॉल्ट? वो हमारी सोसाइटी की मिसेस शर्मा है ना। कौन मिसेस शर्मा? वो जिम इंस्ट्रक्टर। अच्छा वो? हाँ, वो नाइस फिगर शी हैज। शट अप। वो मुझे कह रही थी कि मिस्टर शर्मा जब लाइट जाती है तो पूरी रात उसे पंखा करते हैं, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? अगर मिसेस शर्मा चाहे तो मैं जरूर कर सकता हूँ। मुझे शट अप विनोद, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तुम मुझे पंखा क्यों नहीं करते? देखो भाई, ऐसा है कि हमारे खानदान की एक प्रथा है कि हमारे खानदान के मर्द अपनी बीवियों की सेवा एकदम नहीं करते। Sure, तुम्हारे खानदान के मर्द सिर्फ दूसरों की बीवियों की सेवा करते हैं। Oh my God. तुम्हारी शक्ल जितनी सफेद है ना, ज़बान उतनी काली। चली गई ना बत्ती? ये लो अखबार, अब पंखा करो मुझे, ये लो। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है अखबार? ये, ये लो। तुम्हारा मुंह पे, ओके। ये तुम पंखा कर रही हो या मार रही हो मुझे? लाइट गई है ना, तो ठीक से तुम्हारा मुंह दिखाई नहीं दे रहा है। इस अंधेरे कमरे में घुट घुट के मरने से बेहतर है कि मैं ऊपर जाऊं और टेरेस पे अपने आप को मच्छरों के हवाले करूं। My God, this woman is impossible. दिन में भी रात में भी। Pathetic woman. भाई, this is too much. जब देखो पावर कट, पावर कट। हमें इसका कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा। तनवीर, हम क्या कर सकते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वीपी साहब तो कर सकते हैं। एक छोटा सा जनरेटर लगवा दो भाई, या इमरजेंसी लाइट लगवा दो। पावर कट होता है तो अंधेरा होता है। अरे अंधेरे का तो ठीक है, लेकिन गर्मी से जो जान जाती है उसका क्या? यस यस, उसका इलाज मैंने कर लिया है दोस्तों। क्या? ये छोटा सा फैन बहुत बढ़िया चीज है, मेड इन चाइना है, सिर्फ 50 रुपए का। मोहन जी,
क्या हो रहा है? सर बहुत बढ़िया माल है, मेड इन जापान। मैंने कहा हो क्या रहा है? सर बार बार लाइट जाती है, पूरा स्टाफ पसीने पसीने हो जाता है, इसलिए फैन है सर। हमारी कंपनी तनखा देती है आपको जूने विजुलाइजर की, और आप फेरी वाले बन गए। लेकिन सर पीपल कांट वर्क, स्टाफ कैन नॉट वर्क। देखिए सर कंप्यूटर भी पसीने पसीने हो गए। लेकिन सर बिजली बार बार जाती है, कुछ कीजिए ना सर प्लीज। शीतल हम बीपी साहब से बात करेंगे, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। ओके हैव पेशेंस। तब तक ये फैन यूज कीजिए सर। कैन यू रीड माय लिप्स? Read them carefully. Oh my God! इस आदमी ने गाली दी। इस आदमी ने मुझे मैंने गाली दी। I'm on duty, आपने गाली दी। मैंने गाली नहीं दी। Stop, Petunia! Stop! Hey, क्या हो रही है? क्या हो गया रे? सर मैंने गाली नहीं दी है, मैंने गाली I did not abuse him. अरे छोड़ो ये सब छोटी बातें हैं। देखो आज भी बिजली जाने वाली है, इससे पहले काम करो, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ और इमरजेंसी लाइट लगवा दो सब जगह पर। तन्वीर यस सर, गेट द वर्क डन। यस सर। देखो आज 3 बजे दोपहर को लाइट जाने वाली है। 3 बजे जाने वाली है? आर यू श्योर? मैंने पता करवाया है भाई, उससे पहले सब काम हो जाना चाहिए। ओके दैट मीन सर जी। तब तक आप फैन यूज कर, ये देखा आपने हमारी एड क्राफ्ट एजेंसी को ये आदमी सड़क पर ले आया है, ये जाता है वहां से होलसेल में लेके आता है और यहां पर रेल में बेचता है। ही इज फ्लीजिंग अस, दिस चीट, द बॉन चीट। मुझे कितने में दोगे? आपके लिए फ्री शर्ट। क्या बात करते हैं? सॉरी सर आपकी मूछ थोड़ी ट्रिम हो गई। हे भगवान, ये मोहन जहाँ भी जाता फंस जाता है, इतनी देर लगाता है। बैठा वापस आ। डोंट वरी वर्मा, नहीं मैं हूँ। ओह गॉड, क्या बात है मीरा, तुमने बुलाया क्यों? तुम ये घटिया फैन ऑफिस में क्यों बेच रहे हो? धंधा कर रहा हूँ भाई। क्या धंधा कर रहे हो? बीपी साहब को पता चल गया तो तुम्हें हवा खाने भेज देंगे। अरे वो क्या हवा खाने भेजेंगे, वो तो खुद मेरी हवा खाने। मतलब उन्होंने ये फैन खरीद लिया मुझसे? अच्छा, पर क्यों? क्यों मतलब बार बार लाइट जा रही है ना आजकल। मोहन एक पंखा मुझे भी दे दो। मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से हवा करता हूँ मेरी जान। मैं जिंदगी भर तुम्हें हवा करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनो, अगर विनोद वर्मा ने देख लिया तो दोनों की नौकरी जाएगी। अरे वो उल्लू थोड़ी है जो अंधेरे में देखेगा। अरे उल्लू का पट्टा भी नहीं है। अरे आपको हवा दे रहा हूँ। मुझे हवा देने की? एक मिनट के लिए लाइट क्या चली गई? कनीज की आड़ पड़ गई। अच्छा कनीज बोले तो? कनीज बोले तो शट अप एंड गेट आउट। मीरा जी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस मोहन से सावधान रहिएगा। क्यों सर? ही इज हार्मलेस सर, मुझे जरा सी हवा दे रहे थे बस। इसकी बहुत बुरी नियत है, बड़ा बदनियत किस्म का आदमी है मीरा जी, यू डोंट नो हिम। कूल डाउन सर, मेरे केबिन में चलते हैं। मीरा जी आप मेरे केबिन में आएंगे? क्यों सर? क्योंकि मैं आपको मोहन जी से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और आपसे मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा सर? मैं मजाक कर रही थी सर, मजाक कर रही थी मैं। मीरा जी, जी आप मुझे कमिटमेंट दीजिए। क्या? कि जब भी बत्ती जाएगी आप मेरे केबिन में आएंगी। हाँ? And this is done between you and me. Okay? Okay, मीरा जी डन हो गया ना? हाँ? Okay? All right. अच्छा ये बताइए, खबर पक्की है क्या कि 3 बजे लाइट जाने वाली है? हाँ, स्टार्ट करने की कोई जल्दी नहीं है, डोंट बी इन अ हरी। ओके टेक योर ओन स्वीट टाइम। 3 बजने में कुछ ही मिनट बाकी है। सर सर वीपी साहब आपको बुला रहे। लेकिन वीपी साहब मुझे क्यों बुला रहे हैं इस वक्त? काफी गुस्से में, पता नहीं उनसे बोले बाहर मत जाए। बोल देता हूँ बाहर, सुनिए। okay. आप जाइए, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। मैंने सुबह कहा था ना कि 3 बजे लाइट जाने वाली है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करा के रखना, क्यों नहीं करवाई आप लोगों ने? सर वर्मा साहब ने रिक्वेस्टेशन पर साइन ही नहीं किया। अरे जब मैंने कहा था तो वर्मा जी की सिग्नेचर की क्या जरूरत है? बॉस मैं हूँ या वो है? सर लेकिन वर्मा साहब हमारे इमीडिएट बॉस हैं। मगर मैं वर्मा के इमीडिएट बॉस हूँ, उसका क्या करूँ? बट वर्मा साहब क्या आप लोगों ने वर्मा वर्मा लगा रखा है? मैंने आपसे कहा था ना कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए और कनेक्शन करवाइए। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? किससे कहा था आपने? इनसे कहा था? इनसे कहा था? नो वे, नो वे। देखो मोहन, अगर 5 मिनट के अंदर इलेक्ट्रिशियन नहीं आया ना तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। समझ गया? कह रहा था मैं तुम लोगों को कि पहले से ध्यान रखो। बहुत डर लगता है लाइट में, हमें अंधेरे में। हाउ डेयर यू वर्मा? Excuse me, sir, how dare you? क्या मतलब? आपने मुझे मारा क्यों? अगर ये सवाल मैं आपसे करूं कि आपने मुझे मारा क्यों तो? अगर आपने ऐसी जगह मारा है कि गर्मी की वजह से मुझे फोड़ी हो गई थी, फूट गई। अगर मैं alternative arrangements नहीं करा पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधेरे में घेर के मुझे मारेंगे। अच्छा चोरी और सीना चोरी? Oh, you calling me a thief? आप मुझे चोर समझ रहे? चोर नहीं कह रहा हूं। अरे मेरी बात समझ लीजिए, क्यों? You are calling me a thief, sir. You think I'm a cheat? I'm the MD. Excuse me, please. आप
मेरे सीनियर्स हैं, लेकिन मजबूरन मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि ऑफिस में एक डेकोरम होता है, उसे मेंटेन किया जाता है। सर, इफ यू डोंट माइंड, प्लीज आप अपने कैबिन में चले जाइए। ठीक है मेरा जी, आप कह रही है तो जा रहा हूँ, समझा दीजिए। एंड इफ यू डोंट माइंड सर, आप मेरे साथ आइए, प्लीज आइए। लेकिन इन दोनों को अंधेरे में आखिर मारा किसने? रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, अब चैन से बैठ जाइए। दरअसल बात यह है सर कि इलेक्ट्रिसिटी बार बार जाने की वजह से लोग थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं। मेरा जी, कुछ भी हो आप इस केबिन से बाहर नहीं जाएंगे। आप रहती है ना तो मुझे बड़ी इमोशनल और पर्सनल सपोर्ट रहती है आपसे। सर लेकिन मुझे जाना पड़ेगा सर, 4 बजे लाइट जाने वाली है। फिर से लाइट जाए आए तू तो मेरा जी, लेकिन आप इस केबिन से बाहर नहीं जाएंगे। हाय विनोद। हाय मीरा जी। विनोद, मैंने सुना है कि 4 बजे लाइट जाने वाली है। हाँ। और मैं जानती हूँ तुम्हें अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए तुम्हें कंपनी लेने आ गई, 4 बजे से पहले ही आ गई। तुम्हें बुलाया किसने यहाँ पे? What do you mean, बुलाया किसने? हाँ? ये मेरे हस्बैंड की ऑफिस है, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, समझे? I am answerable to so many people in this office, you understand? Hey मीरा जी, अगर इस केबिन से कोई बाहर जाएगा तो ये औरत जाएगी। हम लोग तो ऑफिशियल मीटिंग कर रहे हैं। She is disturbing us. क्यों? मैं क्यों जाऊंगी आप? क्यों जाऊंगी मैं? बोलो तो क्यों जाऊंगी? देखो बेबी, देखो ऐसा है कि यू आर ऑन 36 फ्लोर, तुम 26 माले पे हो। अगर लाइट चली जाएगी तो लिफ्ट बंद हो जाएगी, लिफ्ट बंद हो जाएगी तो हाउ विल यू गो डाउन, नीचे कैसे जाओगी? विनोद, मैं तुम्हें कंपनी दूंगी ना अंदर है मेरा। आई डोंट वांट योर कंपनी, यू अंडरस्टैंड? एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी, इतनी चिल्लम चिल्ली की आवाज आ रही है। मैडम व्हाट्स हैपनिंग, इज ही मैन हैंडलिंग यू? मुझे प्लीज लिफ्ट तक छोड़ दीजिए। लिफ्ट तक नहीं, आप इनको टैक्सी में बिठा के आइएगा, और टैक्सी का नंबर नोट करने की कोई जरूरत नहीं। आइए। I want to go now. I want to go now. Come on, go, go, once and for all. My God, pathetic woman, pathetic. Sir, good news. वीपी साहब कह रहे थे कि उन्होंने इन्वर्टर का इंतजाम कर दिया है और इलेक्ट्रिसिटी चली भी गई, तो आप पैनिक मत कीजिए सर, आपके कैबिन में 2 सेकंड में आ ही जाएगी। मेरा जी, कुछ भी हो, देखिए आप मेरे कैबिन से बाहर नहीं जाएंगी। यू स्टे इनसाइड, अदरवाइज मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरा जी, प्लीज छोड़ दो। ओह माय गॉड, मेरा जी मुझे बहुत डर लग रहा है। गिव मी योर हैंड मेरा जी, प्लीज गिव मी योर हैंड। मेरा जी कितनी शांति मिली है। आप अपना केबिन छोड़ के मेरे केबिन में क्या कर रहे हैं सर? ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? अरे मैं इंचार्ज हूं यहां का, यहां घूमूं वहां घूमूं, कंपनी भेज दो, मुझे पूछने वाले तुम होते कौन? सर मैं भी इस कंपनी का एक MD हूं सर। हां देख लिया MD को, अंधेरे में हाथ पकड़ के क्या कर रहे थे? कविता मैडम और मोहन जी लिफ्ट में फंस गए। शक्ल का देख रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन करो। फोन किया था सर, वो कह रहे लाइट 24 घंटे के बाद आएगी। Oh my God.